दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान को लेकर विराट कोहली का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। जवान की पहली झलक ने ही सिनेमा को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड के किंग को ऐसे में विराट कोहली ने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए हैं। विराट कोहली जवान के ट्रेलर की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं और अपने फैंस को भी जवान को सपोर्ट करने की बात कहते हैं। जवान में शाहरुख खान के इस नए अवतार को देखकर हर कोई हैरान रह गया है। जवान में शाहरुख खान पहली बार टकले हुए और अपने बाल सारे कटवाकर गंजे लुक में दिखे। दोस्तों, इसके अलावा पहली बार शाहरुख खान पुलिस के अवतार में नजर आएंगे। जवान की स्टोरी काफी ज्यादा दमदार है और उससे भी खतरनाक इसके एक्शन हैं। अगर प्रभास की फिल्म सालार को टक्कर देना है तो साउथ में जवान को कम से कम 100 या 200 करोड़ का कलेक्शन लेना होगा। हिंदी की तरफ तो जवान बाजी मार लेगी, लेकिन ऑल इंडिया में प्रभास को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन फिर भी अगर ट्रेलर देखे तो प्रभास की सालार से जवान काफी पावरफुल फिल्म है। जवान ने पहली बार में ही ऑडियंस को दिखा दिया कि फिल्म कैसी होगी और आगे कितना खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। लेकिन वही सालार वालों ने छोटा सा टीजर डाला, उसमें भी प्रभास का चेहरा नहीं दिखाया। सभी प्रभास की ऑडियंस को लगा कि और दिखाना चाहिए था। वही दूसरी तरफ जवान वालों ने इतना ज्यादा लुक दिखा दिया कि ऑडियंस बोल रही है कुछ ट्रेलर के लिए भी बचा लो, आने तो ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों, पठान ने लगभग 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें 500 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में कमाए थे। लेकिन अब जवान को लेकर शाहरुख खान के फैंस 2000 करोड़ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया तो आमिर खान का दंगल वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिलहाल यशराज भी ये अनाउंसमेंट कर चुका है कि जवान को पठान से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान का बजट पठान से ज्यादा है और अपने विजुअल्स की वजह से इसको पोस्टपोन होना पड़ता है। अगर फिल्म को ऐसे ही रिलीज कर देते तो शायद फिल्म की 1-2 कमियों की वजह से लोग ट्रॉल करने लगते